हेलो पूजा, मैं अमन बोल रहा हूँ। हाय अमन, मैं तुम्हारे ऑफिस फोन कर ही रही थी। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, पता नहीं कैसे कहूँ मैं तुमसे। क्या बात है अमन, सब ठीक तो है ना? पूजा, अक्षत अक्षत इस दुनिया में नहीं रहे। पूजा व्हाट? पूजा अमन, मैं अभी आ रही हूँ, मैं वही आ रही हूँ। भगवान ऐसी बुरी किस्मत किसी को न दे। अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे, पर इंसान का जोर कहाँ चलता है किस्मत पर। शादी, मैं जानती हूँ इस वक्त मैं तुझे कोई तसल्ली नहीं दे सकती, पर शारदा काजल की जो हालत है उसे इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। तू उसे समझा, उसे यहाँ से भेज दे। क्या समझाऊँ शाह, उसकी बहन की जो हालत है उसे छोड़ के वो कैसे जा सकती है। काजल की कोख में एक नई जिंदगी पल रही है, तू तो एक औरत है, समझ सकती है ना उषा? मुस्कान की तरफ जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती, तू इसे समझा, मैं नहीं जा सकती उसके पास। काजल बेटा, तू घर जा, ये माहौल तेरे लिए ठीक नहीं है बेटा। नहीं आंटी, मैं नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ, पर तेरे बच्चे की तरफ ही तेरी जिम्मेदारी है ना। चल उठ, जिद नहीं करते, उठ उठ जा। क्या करूं इस सफेद जोड़े का? अपने बेटे को विधवा का जोड़ा नहीं पहनाऊंगी मैं, नहीं पहनाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। जरा सोच, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने बेटे को अपने हाथ से लाल जोड़ा पहनाया था सुहाग का, और अब ये नहीं होगा बच्चा, नहीं होगा बच्चा। उषा, मुस्कान, ये सफेद साड़ी पहन, ये सफेद जोड़ा पहनना जरूरी है क्या? दिल पे पत्थर रख कर आई हूं, ये काम तो करना ही पड़ेगा, करना ही। संभालिए, संभालिए।
जुड़ा हाथों का टूटा रंग माथे का छूटा जुड़ा हाथों का टूटा रंग माथे का छूटा ऐसा दिन क्यों दिखाया अपने कमरे में
मलिक साहब, अब मल्होत्रा जी, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा खा लीजिए मल्होत्रा साहब, प्लीज। शारदा, थोड़ा खा ले। नहीं उषा, गले से निवाला नहीं उतरेगा। देख तो मुस्कान कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। उसने कुछ नहीं खाया, समझा बुझा के उसे खिला दे। ठीक, आप कुछ बोलिए ना दीदी। मुस्कान बेटा, थोड़ा खाना खा ले। मुस्कान, खाना खा ले बच्चे, थोड़ा सा। क्या ये सच है कि मुस्कान को अक्षत की बीमारी के बारे में शादी से पहले मालूम था? हाँ भाई साहब, राहुल और दादाजी ने उसे बहुत समझाया। मैं वो समझी, हमें कुछ पता नहीं दिया। शारदा भाभी, शायद भगवान की यही मर्जी होगी। जब मुस्कान की किस्मत में खुशी आई तो मैं नाश करने लगी, पर मुझे क्या मालूम था कि ये वो दुख है जो सुखों की चादर ओढ़कर मेरे दरवाजे पर आए। मेरी बेटी की खुशियों की उम्र इतनी छोटी क्यों थी भाई साहब? इतनी छोटी की होती। देखिए काफी रात हो गई है, प्लीज सो जाइए। आप मेरी बात बिन कैसे जीना,
कैसा लागे सुना सुना तेरे बिन कैसे जीना, ऐसा दिन क्यों दिखाया मेरे राम जी, कैसी हाथों पे मैंने लगाई ये मेहंदी तेरे नाम की, मेहंदी तेरे नाम की। आप सारी रात ऐसे ही? ये शरीर पंचतत्व से बना हुआ है और उसी में विलीन हो जाना है, यही कुदरत का नियम है। आज अक्षत जी हम सबके बीच में नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षगो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांतिः विश्वे देवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अवयन् कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः प्रसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगु हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगु हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगु हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा तमजा श्रीगर्भधं मा ॐ अदसश्रीशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगु सर्वतटिष्ठ तटिशत साङ्गुलां पूर्वये वेदगुं तद्भूतं सभाव्यं मा उतामृतसेतानो अपना क्या है यार, जिंदगी में इतनी खुशी मिली है कि अब तो मर जाने को जी जाता है। हमारी तरफ से पार्टी ड्यू है, लेकिन हाँ तुम्हारी तरफ से शादी का तोहफा। भैया हम तोहफे के साथ ही बेस्ट विशेस और बधाई एक्सेप्ट करेंगे। ओके देन, सी यू सून, बाय बाय।